हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के 784वें उर्स की तकरीब तनाज़ा का शिकार हो गई। गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद उनकी हिदायत पर बेटे जैन कुरैशी गुसल के लिए आए, लेकिन चचा मुरीद कुरैशी ने भतीजे जैन को वापस जाने का कह दिया। दरबार के अंदर मुरीद हुसैन कुरैशी की तकरार करते वीडियो मंजर यहाँ पर आ गए, जिसमें जैन कुरैशी को चचा के सामने हाथ बांध कर खड़े देखा जा सकता है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि चचा मुरीद कुरैशी ने जैन कुरैशी को वापस जाने का कहा है, और यहाँ पर गद्दी दरबार के अंदर मुरीद हुसैन कुरैशी की तकरार की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। इसी बारे में बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख से। जी अख्तर शेख, बताइएगा क्या मामला हुआ यहाँ पर? जी, दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के सालाना उर्स के मौके पर उसके जो गदे नशीन हैं वो पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तकरीबात जो 27 दिन की तकरीबात थी उनके लिए उन्होंने अपने बेटे जैन कुरैशी को हिदायत दी थी कि वो आकर दरबार को गुसल देंगे और चादर चढ़ाएंगे और दुआ करेंगे। तो तकरीबात जैसे ही शुरू हुई हैं तो शाह महमूद कुरैशी के जो चचा हैं मुरीद हुसैन कुरैशी वो वहाँ आए हैं और उन्होंने एक जैन कुरैशी को तकरीबात गुसल की तकरीबात से रोका है। उनके कहना था कि दरबार के जो असल गद्दी नशीन है वो खुद हैं। इस हवाले से एक वीडियो भी जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें मुरीद हुसैन कुरैशी और जैन हुसैन कुरैशी के दरमियान जो तकरार हो रही है गुसल। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अख्तर शेख इस हवाले से आगाह कर रहे थे।